फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों सावधान, बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, यानी कि सतर्क। क्रैश पेट्रोल के अंदर जो आता है ना, सतर्क, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप एयरटेल की सिम यूज में लेते हैं, जियो की सिम यूज में लेते हैं, या बीएल की सिम यूज में लेते हैं, या बीएसएनएल की सिम यूज में लेते हैं, तो आपके पास भी कोई फ्रॉड कॉल आता है, या आपसे कोई ओटीपी मांगता है, या बोलता है आपकी सिम बंद होने वाली है, आपका नंबर बंद होने वाला है, वैलिडिटी खत्म होने वाली है, तो उसको कोई भी ओटीपी शेयर ना करें दोस्तों। तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे पास आया था एक फ्रॉड कॉल जिससे मैंने बात करी है एक मिनट, तो पूरी रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ दोस्तों और बताने वाला हूँ कि आपको कैसे बचना है। तो मेरा नाम है शेरू, स्वागत है आपका टेक हुनर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कंपनी की तरफ से मैसेज आता है। लिखा हुआ था एयरटेल कभी भी 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से आपको अकाउंट सिम अपडेट के लिए कोई केवाईसी संबंधित एसएमएस नहीं भेजता है। ऐसी धोखाधड़ी से सावधान रहे और कॉल पर कोई भी ओटीपी शेयर ना करें, ना उनको कोई भी पिन दें, ना अपनी कोई भी आधार कार्ड की डिटेल दें। अब मेरे पास आया था फ्रेंड्स जो कॉल, वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो कॉल आया था, तो यहाँ मेरे पास सबसे ऊपर ये कॉल आया था, ये आया था मेरे पास 12:02 पर आज। तो यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ओपन। इसका नंबर है 7735155103। आप भी इस नंबर पर कॉल करिए, और कॉल करके एक बार इनसे पूछोगे ना कि मेरी सिम के अंदर है ना वैलिडिटी खत्म होने वाली है, मेरे पास फ़ोन आया, तो ये आपको बोलेगा कि हाँ मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ, वो मैसेज पे 4 अंकों का ओटीपी आया होगा, वो मेरे को बताया, बाकी कोई जानकारी नहीं पूछेगा उसको। आप कुछ भी पूछोगे ना बार बार, 3-4 बारी भी, कि आप सिस्टम में चेक करिए या कुछ भी चेक करिए, तो वो नहीं चेक करेगा, बोलेगा मेरे को पहले ओटीपी दो फिर मैं चेक करूँगा सारी चीज़ें। मैंने उसको ये बोला, मैंने अभी 49 का रिचार्ज कराया 4 दिन पहले, तो भी मेरी वैलिडिटी क्यों खत्म हो गई, तो वो बोलता है, बोले हमारा कोई मतलब नहीं है, बोले आप पहले ओटीपी दीजिए फिर मैं चेक करूंगा। 49 का रिचार्ज नहीं होता पहली बात तो, यदि कस्टमर केयर से कॉल आता तो उसको पता होना चाहिए कि 49 का कोई रिचार्ज होता ही नहीं है, 49 का रिचार्ज बंद हो गया है, क्योंकि अब होता है 99 का रिचार्ज। तो सबसे पहली बात तो ये फ्रॉड कॉल है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आया है तो उसको सीधा यही बोलना कि मैंने 49 का भी रिचार्ज कराया था 4-5 दिन पहले, मेरी वैलिडिटी तो होनी चाहिए, तो आप अपने सिस्टम में चेक करिए। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए, फिर मैंने वापस भी कॉल करा था, उसने कॉल ही काट दिया। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ प्ले। हेलो भैया, एक कंपनी से कॉल आया था यार, वो वैलिडिटी खत्म हो गई, उसका कुछ बोल रहे थे, बोले आपकी वैलिडिटी खत्म होने वाली, एक्सपायर हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? मैसेज आएगा, मैसेज बताना होगा। मैसेज जाएगा? हाँ मैसेज आएगा, तो भैया मेरे को तो पढ़ना तो आता ही नहीं बिल्कुल भी। ओनली 1-2-3-4 होते हैं जैसे, इस तरह आएगा मैसेज? अच्छा 1-2-3-4 जिस टाइप का मैसेज आएगा। हाँ नहीं तो अभी तो मैंने रिचार्ज कराया था भैया यार 49 का। अरे रिचार्ज कराया, वो बात आपका सही है, लेकिन अभी देखे आपके पास मैसेज आ गया है, मैसेज नंबर बताइए। मगर भैया वैलिडिटी का तो कंपनी कैसे कर सकती है, अभी 49 का रिचार्ज कराया था मैंने 5 दिन पहले, तो फिर वैलिडिटी कैसे खत्म हो सकती है? एक भी दिन पहले कराया, वो बात आपका सही है, लेकिन इसका वैलिडिटी समाप्त हो गया, वैलिडिटी कराओ तभी रहेगा चालू। सर 5 दिन पहले कराया तो चेक करके तो बताइए ना आप एक बारी मेरे को। अरे मैसेज आया, पहले मैसेज नंबर बताइए, नहीं तो बंद हो जाएगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं है बेचा इसमें। यार भैया ऐसे नहीं होता, पहले आप चेक तो करिए सिस्टम में, अपने नंबर डाल के मेरा एक बार सिस्टम में देखिए तो सर, मैंने 49 का भी रिचार्ज कराया माल। ये फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ फोन काट दिया, यानी कि इसके बाद इनका ना फोन लगा ना कुछ लगा। तो ये देखिए, इस तरीके के फ्रॉड कॉल आएंगे तो आपके पास भी इस तरीके का कोई भी फ्रॉड कॉल आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें, उनको सीधा बोले कि मेरी वैलिडिटी है, जो भी मेरे को करना होगा मैं कस्टमर केयर पर जाके, या कस्टमर केयर से बात करें, स्टोर पर जाके, कहीं पर भी जाके, रिटेल शॉप पर जाके पता कर सकता हूँ, बोले बाकी आपको मैं कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करूँगा। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ना घबराए कि मेरी नंबर बंद हो जाएगा या मेरे नंबर दूसरे से लिया हुआ। सीधा जाएँ एयरटेल के स्टोर, जियो के स्टोर, या बीएसएनएल के, या वोडाफोन के, वहाँ जाके पता कर लेगा कि आपके सिम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको पूरा सही सॉल्यूशन बताएंगे। तो ऐसे किसी को भी अपना ओटीपी, पिन, आधार कार्ड की या कोई भी डिटेल शेयर ना करें। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन दबाना दोस्तों ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। जी दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।